गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं याददाश्त को लेकर। याददाश्त यानी कमज़ोर दिमाग। कभी कभी दिमाग की कमज़ोरी इस कदर बढ़ जाती है, व्यक्ति एक ही बात को बार बार बोलता है, समझाना कुछ चाहता है समझा नहीं पाता, बोलने में भी दिक्कत होने लगती है, या जो चीज़ समझनी चाहिए उसको कई बार उसे समझने का प्रयास करना पड़ता है। तो आखिर कमज़ोर याददाश्त, रखी हुई चीज़ों को भूल जाना या दिमाग की कमज़ोरी, आखिर इस जैसी समस्या के कारण कौन कौन से होते हैं? देखिए, जब किसी के दिमाग के ऊपर नज़ला ज़्यादा जम जाए जी, तो जैसे बक्से के अंदर कोई चीज़ लगा के, ताला लगा के उसको बंद करते निकाल नहीं सकते, ऐसे मेमोरी उसमें दब जाती है जी, याददाश्त नहीं रहती जी। इस मेमोरी को बढ़ाने के लिए, याददाश्त को तीव्र करने के लिए श्वेत प्याज का रस 4 चम्मच, अदरक का रस 4 चम्मच, गाय का घी 4 चम्मच, 12 चम्मच हो गए। इसके अंदर 6 चम्मच आपने शहद मिलाना। एक बात का ध्यान रखना कि शहद हमेशा घी से 1.5 या 2 गुना होता है, तो ये अमृत के समान। यदि घी और शहद बराबर मात्रा में किया जाए तो जहर बन जाता जी, इससे मृत्यु हो जाती है। ओहो। जब हमने ये 18 चम्मच मिला लिए जी अच्छी तरह, अब इसको पीने में जिसकी याददाश्त कम है, कम से कम उंगली से चाटते रहें चाहे चमचे से चाटते रहें, आधे घंटे का समय चाटने में लगाना। अब आपने 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना जी। 1 घंटे के बाद गाय का दूध 1 गिलास, उसके अंदर आपने बादाम को पहले पानी में रात को भिगो के रखना, फिर उसका छिलका उतार के उसको घिसना, जैसे दूध होता है ऐसे बनाना। 11 दाने काली मिर्च भिगो के रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो उस टाइम पीस लेना, बल्कि सफ़ेद मिर्च डाले तो और भी अच्छा। अब इस दूध के अंदर इसको उबालना है। अब इसको पीने में आपने 1 गिलास को आधे घंटे का समय लगाना। ये कार्य आपने प्रतिदिन सुबह करना है अपना योग करने के बाद, और रात को ठीक 9 बजे सोना है, सुबह 4 बजे उठ के, भले आपका पेट साफ हो ना, उससे कोई मतलब नहीं, हाथ मुंह धो के आधा घंटा कपाल भाटी, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उजई, 25-30 बार भ्रमणी, 1 घंटा लोन लोन करना अति आवश्यक है। फिर उसके बाद आपके पास टाइम है तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीशासन जी, इतनी क्रियाएं कर लें। उसके बाद आप अब ये जो आपने दूध गर्म कर रखा है इसको पिए। यहाँ पर गुरुजी मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा और दर्शकों को ये चीज़ मैं दोबारा आपके मुँह से सुनवाना चाहूँगा कि जो शहद का रेशियो है, जो संतुलन है, वो कितना होना चाहिए और बिगड़ने से क्या नुकसान है, वो एक बार आप दोबारा दर्शकों को बताएं। देखिए, शहद जो है घी से 1.5 या 2 गुना होना चाहिए जी। यदि शहद और घी बराबर मात्रा में कर देंगे तो जहर बन जाएगा, परंतु जब 1.5 और 2 गुना करेंगे तो अमृत बन जाएगा। बिल्कुल, ये इसके अंदर एक विशेष पहचान है और असली शहद की पहचान है कि आप कागज के ऊपर शहद रखें, मोमबत्ती जलाएं, कागज तो दोनों तरफ से पकड़ें, मोमबत्ती के ऊपर जहाँ शहद रखा है वहाँ से कागज को गर्म करें,
तो कागज में आग नहीं लगेगी और शहद आपका बिल्कुल पतला होकर ऐसे उबलने लगे जैसे पानी उबल रहा है। अब उसमें आंगुली लगा के आप देखेंगे तो पानी जैसा लगेगा, उतार नहीं देगा जो असली शहद है। परंतु यदि उसके अंदर चीनी का या जलेबी की चाशनी का उसके अंदर मिलाप कर रखा है तो उतार देगा, वो शहद आपको नुकसान देगा, कोई लाभ नहीं देगा। शहद संसार की वो वस्तु है जो आग में जलती नहीं, पानी में बगैर घोले घुलती नहीं और पेट में जाके पचा नहीं पड़ती। जैसे गले से नीचे उतरती है उसी टाइम जिस ग्रुप का आपका खून है उसी में जाके मिल जाता है, प्योर ब्लड है। और इसके अंदर की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप गर्मी सर्दी बरसात 12 महीने इसको ले सकते हैं, आपको नुकसान नहीं करता। और प्योर शहद शुगर को ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है, परंतु उसका तरीका है कि जब भी शुगर वाले ने शहद लेना है तो 4 चम्मच शहद में 1 चम्मच हल्दी मिला के अच्छी तरह मिला के फिर उसको चाटना है आस्ता आस्ता। उसको चाटने में 20 मिनट का समय लगाना पड़ेगा। फिर ऊपर से 1 गिलास गाय का गुनगुना दूध या पानी पी ले, उससे आपको लाभ ही लाभ होगा, हानि कभी नहीं होगी। और जो डॉक्टर कहते हैं कि आपको शुगर और शहद नहीं खाना, उनको असलियत का पता नहीं है शहद का कि शहद की असली चीज़ क्या है। जितनी मीठी चीज़ें हैं सारे की सारी अग्नि में डालने से अग्नि बड़ी तेज जलती है, परंतु शहद एक ऐसा पदार्थ है कि अग्नि जल रही है उसमें शहद डाल दे तो अग्नि बुझ जाएगी जैसे पानी डाल दिया। और अब जो अग्नि आपने जिन लकड़ियों पर जला रखी थी, आप चाहे मिट्टी का तेल डालें, स्पिरिट डालें, पेट्रोल डालें, जो मर्जी डालें, जब तक आप उन लकड़ियों को बदलें जिन पर शायद डाला था आपने, वो आपकी आग नहीं जलेगी। अब यदि आपने आग जलानी है तो लकड़ियां हटा के दूसरी लकड़ी लगा के तभी आग जलेगी। ये असली शहद की पहचान है। और जब आपने कहीं ले जाना, आपके पास बर्तन नहीं है, तो आप इसके प्लास्टिक की पन्नी के अंदर पहले ठंडा पानी भर लें, अब उसके अंदर शहद डाल दें आपने जितना ले जाना है। अब उस पन्नी को गांठ लगा के आप जहां ले जाना चाहें वहां ले जाएं, वो आपकी पन्नी से बाहर नहीं निकलेगा, ना आपको कोई नुकसान होगा। घर जाके पन्नी में छोटा सा छेद करके उस पानी को सारे को निकाल दें जो आपने पानी पन्नी के अंदर डाल रखा था। अब उसके बाद आपके पास प्योर शहद रह गया। अब जहाँ से आपने इसमें सुराख कर रखा था उस सुराख को आप किसी चीज़ से कस के बांध दें और गर्म पानी कर ले आप कम से कम 35 से 40 डिग्री। अब इस पानी के अंदर आप उस पन्नी को रख दें तो उसके अंदर वो शहद पतला पड़ जाएगा और उस पन्नी से उस छेद को खोल करके उसी से फिर आप बोतल में जिसमें डालना है डालने, उसकी एक भी बूंद आपकी पन्नी के अंदर शहद की नहीं रुकेगी और उस टाइम वो पानी जैसा पड़ेगा जिस भी बर्तन में आप डालेंगे जब आप इसको गर्म करेंगे। परंतु उसके बाद जब वो बोतल में या जिस बर्तन में डाल दिया, जब वो ठंडा होगा तो फिर वो अपने टेम्परेचर पे आ जाएगा। शहद को कभी भी डायरेक्ट अग्नि पे गर्म नहीं करते, पहले किसी बर्तन के अंदर पानी डालते हैं और पानी के अंदर दूसरा बर्तन रखे, फिर उस बर्तन में शहद डाल के जब पानी से गर्मी उस बर्तन को मिलती है तो शहद पिघलता है।
शहद बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है। अब इस शहद को यदि आप फिल्टर कर लेते हैं कपड़े से, तो इसके अंदर जो मोम है वो निकल जाता है, तो 6 महीने तक फिर आपका शहद दोबारा नहीं जमेगा। और ऐसे जो आपका शहद है छत्ते से निकालने के 6 महीने के बाद ये जम जाता है और आपको ऐसे लगता है जैसे खांड खांड है, चीनी है, चीनी जैसा लगेगा, परंतु जैसे इसको गर्म करेंगे ये फिर अपने रूप में आ जाएगा। और जो चीनी का शहद आपने बना रखा है गर्म करने पिघल तो जाएगा, परंतु ठंडा होने के बाद फिर दोबारा चीनी जैसा जम जाएगा जी।